मेरी बाबा विश्वनाथ से, बाबा काल भैरव से, माता अन्नपूर्णा से गुजारिश है कि आईपा के समस्त कर्मचारियों को जिस उद्देश्य से अपना ये योजना बनाए हैं उसमें सफलता प्राप्त करें, शक्ति प्रदान दें। जय हिंद। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक भी बता दें कि 5 सालों में एक भी कोई विश्वविद्यालय खोले हों, एक भी नया अस्पताल बनाए हों या बिजली का कोई संयंत्र लगाए हों, 5 सालों में एक भी अस्पताल खोले हों या बिजली का कोई संयंत्र लगाए हों या कोई अपना 5 काम गिना दें कि हमने ये काम जनहित में किया है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। चूंकि 2022 के चुनावी आगाज हो चुके हैं तो अब जानते हैं कि किस प्रकार की रणनीतियाँ पार्टियों की तैयार हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं समाजवादी पार्टी से, आनंद चौरसिया जी से। आनंद चौरसिया जी समाजवादी पार्टी में काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, वाराणसी में एक प्रमुख चेहरे हैं, और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जनता जनार्दन से वोट का आशीर्वाद अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहां पे पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 8 के 8 विधायक जो थे यहां पे एनडीए से जीते हुए थे, तो कहीं ना कहीं से सीधा जो निशाना जो है यहां पे समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर रहता है। अखिलेश जी भी जो है बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, तो जानते हैं कि किस प्रकार की रणनीतियां तैयार होंगी। आनंद चौरसिया जी से, चौरसिया जी स्वागत है आपका आईपा में। हम आपका आईपा में स्वागत करते हैं। हम आनंद चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश। आनंद जी, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में योगी आदित्यनाथ जाके घेर रहे हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी जाके बोल रहे हैं कि माफियाओं का सफाया हो गया है, क्या कहेंगे आप? बेशक जिसका जैसा नजरिया होता वैसा देखता है, माफियाओं का सफाया हो गया है। मैं गर्व के साथ कर रहा हूँ कि सफाया हो गया, क्योंकि सारे माफिया को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर दिया है और सारे माफिया वर्तमान दौर में भाजपा सरकार में समाहित हो गए हैं। नहीं, जैसे जिस तरीके से बुलडोजर नीति रही इनकी, जिस तरीके से मतलब कि अपराधियों को मतलब कि बता जो दावे हैं बीजेपी के कि बहुत से लोग सलाखों के पीछे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम इनके बुलडोजर नीति का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या बुलडोजर भी चीन चीन चलेगा? बनारस में कई माफिया हैं, जौनपुर में माफिया हैं, जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और टहल रहे हैं। अगर इनका बुलडोजर वहाँ भी चले तो हम समझें। और बुलडोजर कहाँ चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। अगर आप सचमुच में अपराध विहीन करना चाहते हैं तो अपने गिरेबा में झाके जो इनके इर्द गिर्द हैं, पहले उनके ऊपर बुलडोजर चला के दिखाएं, मैं स्वागत करूँगा। वाराणसी की अगर बातें की जाए तो वाराणसी के जो विकास मॉडल हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 2014 की अगर बातें की जाए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं जिनका कहना है यहाँ पे सीधा जो है सीधे तौर पे कि 2014 में जो यहाँ पे जो लाभ हुआ था, जो सीटें जो मिली यहाँ पे, वो गुजरात मॉडल के नाम पे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मिली। अब 2022 का चुनाव है तो विकास मॉडल की जो बातें हो रही, बनारस विकास मॉडल की जो बातें हो रही हैं, वो कितना लाभकारी रहेगी समाजवादी पार्टी के हित में, कितना रहेगी या मतलब कैसे तोड़ेगी बीजेपी अपने हित में जुड़ाना चाह रही है बनारस विकास मॉडल को? देखिए, जो चुनाव में आए थे तो अगले बार चुनाव में का गुजरात मॉडल था, हाँ, फिर नोटबंदी आया, इसके बाद स्मार्ट सिटी, तरह तरह ये लोग हर हफ्ते में एक नारा देते हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अगले चुनाव में लोगों ने कहा था कि गांव गांव कब्रिस्तान, तो गांव गांव शमशान घाट क्यों नहीं? क्या किसी गांव में शमशान घाट बना? स्मार्ट सिटी, क्या कोई स्मार्ट सिटी बनी? इनके एमपी गांव को गोद लिए थे, क्या कोई गांव विकसित हुआ? ये सब कोरा बकवास है, झूठा आश्वासन है। जनता इनके बात को समझ चुकी है और जनता 2022 में 7 मार्च को यहाँ चुनाव होने वाला है। यहाँ की जनता, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, इनको इनकी औकात में ला देंगे। ये जहाँ से आए थे, लोग कहते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में से खिला है, तो आज वर्तमान दौर में इनका फूल उसी कीचड़ में यहाँ की जनता डालने जा रही है। देखिए, यहाँ पर TFC की बातें की जाएँ, रिंग रोड की बातें की जाएँ, फ्लाईओवर्स की बातें की जाएँ, इसके साथ साथ अगर बातें की जाएँ तो यहाँ पे ऐसे कि गंगा सफाई अभियान की इनके बहुत से बातें थे, कुछ गंगा घाटों पे भी मतलब कि स्वच्छता अभियान चले यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे बातें की जो रुद्रा सेंटर बने, कितना फ़ायदा होगा इससे बीजेपी को और कैसे आप निशाना साधेंगे? ये जुमलेबाज लोग हैं, हिंदुस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई के नाम पर
अरबों रुपया का स्कीम बनाया और अलग से एक गंगा का मंत्री बनाया था उमा भारती जी को। क्या गंगा सफा हुई? दूसरी बात कि जितने फ्लाई ओवर दिखाई पड़ रहे हैं, ये फ्लाई ओवर बहुत पहले के बन रहे हैं। और हमारे अखिलेश जी, हमारे मुख्यमंत्री जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने जिला मुख्यालयों को फोर लेन बनाने का और जोड़ने का काम किया था, जिसका जीता जाता उदाहरण बाबतपुर से लेके जो रास्ता आया वो है। ये जो रिंग रोड जिसके बाद बता रहे हैं, ये रिंग रोड मायावती जी के जमाने में बना था, कहीं गड़बड़ी थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन न्याय के मंत्री जी सुरेंद्र पटेल जी, चाचा शिवपाल जी इसको बढ़ाए हैं, पूरा ब्रांच जानता है इनका। एक मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि एक भी बता दें कि 5 सालों में एक भी कोई विश्वविद्यालय खोले हों, एक भी नया अस्पताल बनाए हों या बिजली का कोई संयंत्र लगाए हों, 5 सालों में एक भी अस्पताल खोले हों या बिजली का कोई संयंत्र लगाए हों, या कोई अपना 5 काम गिना दें कि हमने ये काम जनहित में किया है। अभी पंडित दीनदयाल अस्पताल है जहाँ पे मायावती जी ने भीड़ को देखते हुए अपने शासन में यहाँ बनवाया था अस्पताल, और अखिलेश जी हमारी सरकार आई तो उसका हम लोग सुंदरीकरण, उसका हम लोग विस्तार रूप दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में MRI की मशीन है, अखिलेश जी की सरकार में बन के तैयार है। 5 साल का कार्यकाल बीत गया, अभी तक ये लोग उसका उद्घाटन नहीं कर पाए और गरीब जनता अपना MRI करने के लिए तरस रही है, 10,000, 5,000, 20,000 में अपना MRI करा रही है। इनको जनता को लेना। और पहली बार उत्तर प्रदेश का अभिभावक, मुझ जैसा अभिभावक, बच्चे 2 साल से स्कूल में भी नहीं गए, स्कूल का मुंह भी नहीं देखे, और उन बच्चे के अभिभावक 2 साल से फीस भी जमा कर रहे हैं, यही विकास है। और हम कहना चाहते हैं, एक था सरकार की स्कीम थी कि प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चे RTE के तहत पढ़ेंगे, उनका दाखिला हो गया, लेकिन आज 3 साल से किसी अभिभावक के खाते में एक पैसा नहीं गया। तो ये लोग शिक्षा विरोधी, चिकित्सा विरोधी लोग हैं, इन लोग के आम जनता से कोई मतलब नहीं है, जुमलेबाज लोग हैं, केवल अपना एक नारा देंगे कभी कभी, नारा के बाद में जनता को बुलाएंगे। प्रधानमंत्री जी अपना कोर्ट बनवाए, अपने ही व्यक्ति को करोड़ों में बिचवाए, और पहले कोई ऐसा दिन नहीं है जो प्रधानमंत्री जी कम से कम अपना कपड़ा 10 बार ना बदलते हों। ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है, हम लोग तो एक लंगोट और गंजी में टहरने वाले लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं और आए हैं 7 मार्च को। बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनका बोरिया बिस्तर बांध चुकी है, बस दिन बाकी है, कोरम पूरा करना है। गलियों का शहर है बनारस, और इसके साथ साथ अगर बातें करें तो गलियों में किस तरीके से विकास कार्य आपने देखे, किस प्रकार से कार्य हुए हैं गलियों में, और सीवर की बातें की या सीवेज की बातें की या, चूँकि स्थानीय मुद्दे की हम बात करेंगे आपसे, बनारस से यहाँ पे आप जिम्मेदारियाँ भी आपको मिली हैं, तो यहाँ पे अगर बातें की जाएँ तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ है वहाँ पे BJP शासन में? देखिए, ये जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालय के साथ साथ आपका हम ध्यान आकर्षित कराएंगे कि जिला मुख्यालय जो हमारी सरकार थी, तो हम लोगों ने जिला योजना के मेंबर के नाते हम लोगों ने खुद एक प्रस्ताव पास किया कि यहाँ पे एक महिला पेशाब घर बन जाए, और ताकि उनको भी दिक्कत होती महिलाओं की, पेशाब घर बन जाए, और जिला मुख्यालय दो दो पेशाब घर बने। और आप लोग देखे होंगे कि मई के महीने में सीवर ब्लॉक के कारण जिला मुख्यालय पे ठिंगने हुए पानी था, और मच्छर कोरोना का प्रकोप अलग था, डेंगू का प्रकोप अलग था, लेकिन जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी महोदय थे, सब लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं पड़ा। जब वहाँ पे हम अपना कुछ किए और आप लोग के माध्यम से अपनी मांग रखे, तो 2 दिन के बाद वो सफा हुआ। सारे सीवर ब्लॉक हैं, बनारस की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है, और ऐसा कोई गली नहीं है जिस गली में पत्थर चौका कायस लगा हो। अभी हम बता रहे हैं लोग, ये लोग इतने झूठे लोग हैं कि जिसको पूरी दुनिया के नौजवान अपना आदर्श मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे क्षेत्रीय विधायक, वर्तमान मंत्री, जो अधिवक्ता भी हैं, और भाजपा सरकार LT कॉलेज में लाखों रुपया पास कराई उनका चौतरा बनाने के लिए,
हैं, और आप लोग जाके देख लिए, वो शिलापट भी लग गया, जनता का समर्पित हो गया, और खंडहर जस का तस बना हुआ है। और जहाँ तक रही बात हमारे नेता की, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जब हम लोग कचहरी से बौरापुर की तरफ बढ़ते थे तो जो बौरा नदी थी इतना गंदा था, वहाँ इतना फेंका जाता था कि उधर से गुजरने में उल्टी हो जाती थी। तो किस प्रकार की आपको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं बनारस में, चूंकि आप यहाँ के जाने माने एक चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, तो किस प्रकार की जिम्मेदारियाँ दी जा रही, कैसे कैसे क्या जिम्मेदारी आप निभाएंगे, क्या निर्वहन करेंगे जिम्मेदारियों का? चुनाव से घोषणा से पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ावर प्रकोष्ठ के MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के द्वारा 29 सालों में पहली बार खुद हमें अपने साथियों के साथ पूर्वांचल के जनपदों में 84 समाज जनसंदेश यात्रा निकालने का दायित्व सौंपा था, और मैं अपने साथियों के बल पे, चाहे जौनपुर के आशीष चौरसिया जी रहे हों, चाहे लखनऊ के दीपक दी चौरसिया रहे हों, चाहे रायबरेली के विजय चौरसिया जी रहे हों, चाहे बस्ती के राजेंद्र चौरसिया जी रहे हों, चाहे बस्ती के रामकृष्ण चौरसिया जी रहे हों, चाहे सिद्धार्थ नगर के दिलीप रामचंद्र चौरसिया रहे हों, चाहे संत कबीर नगर के रामसूर चौरसिया जी रहे हों, इन चौरसिया समाज के लोगों के साथ जो जिम्मेदारी मिली थी हम अपने समाज के लोगों के बीच में गए, और अपने समाज आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जो चौरसिया समाज इसके पूर्व अधिकांश मात्रा में भाजपा का हुआ करता था, भाजपा को लोग वोट करते थे, आज वो चौरसिया समाज के लोग भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दें या न दें, लेकिन चौरसिया समाज के लोग भी एक अपना एक मन दिल बना चुके हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जहाँ तक यहाँ की बात लगी है, चुनाव के बाद मुझे बनारस जनपद में 8 सीट हैं और 3 सीट शहर उत्तरी अजगरा विधानसभा सुरक्षित और पिंडरा का प्रभारी बनाकर भेजे हैं, और मैं निसंदेह समाजवादी पार्टी में चौरसिया समाज के साथ साथ दबे कुचले समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच जाकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को इन विधानसभाओं के साथ साथ अन्य विधानसभाओं में भी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाएँ और समाजवादी पार्टी यहाँ से पहली बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करे और करेगी। आईपा की मुहिम है, जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं, राजनेताओं के पास पहुँचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचते हैं, उनसे उनके हम लोग उनके द्वारा जो जो समस्याएं किस प्रकार से सामने आ रही हैं, क्या बातें हैं, उनकी बातों को उठाते हैं, हमारी इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, आईपा की मुहिम को क्या कहेंगे? आज के दौर में कहीं ना कहीं से सब लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आईपा एक ऐसा संदेशवाहक है जो निस्वार्थ भाव से आम जनता की मूलभूत समस्याओं को अपने माध्यम से देश के प्रदेश के राजनीतिज्ञों के पास जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचाने का कार्य कर रही है। मेरी बाबा विश्वनाथ से बाबा काल भैरव से माता अन्नपूर्णा से गुजारिश है कि आईपा के समस्त कर्मचारियों को जिस उद्देश्य से अपना योजना बनाए हैं उसमें सफलता प्राप्त करें, शक्ति प्रदान दें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय सोहेलदेव। तो आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आनंद चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं और आने वाले 10 मार्च को समाजवादी पार्टी के सिर पर जीत का सहरा बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।